हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुप और मैं ये वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो जो मैं पहले डाला था कि आप आपके चैनल में कैसे व्यूअर बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, उसी से रिलेटेड है। और उसमें मैंने दो टूल्स का जिक्र किया था, ट्यूब बडी और भीड आईक्यू। तो मैं आज ट्यूब बडी को लेकर थोड़ा डिटेल्स देना चाहता हूँ। तो ये है ट्यूब बडी, ठीक है। इसमें मेरा चैनल है जो कि लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। और इसे आप गूगल क्रोम क्रोम वेब स्टोर से ले सकते हैं, इसे वहाँ से एक्सटेंशन में ले सकते हैं, क्रोम एक्सटेंशन से। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं छोटे में बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरे चैनल का हेल्थ रिपोर्ट देखना चाहूँगा, तो ये दिखा रहा है मेरे चैनल का टोटल व्यू, सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं, है ना, और लास्ट 30 डेज में कितने व्यूवर्स हैं, कहाँ पर, किस डे में, किस टाइम में कितने व्यूवर हैं। और उससे भी बड़ी बात कि किस किस कीवर्ड को सर्च करके आपके चैनल पर लोग आए हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा सबसे ज़्यादा जो चैनल थी 30 डेज में, है ना, कौन कौन से की है जो सर्च करके मेरे वीडियो तक आए लोग, और उससे रिलेटेड वीडियो कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसके लोगों ने 30 डेज में कितनी बार देखा, है ना। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दिया गया है जिससे आप अपने चैनल में बहुत ही अच्छा व्यू को बढ़ा सकते हैं, है ना, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और इससे आगे देखिए कि इंगेजमेंट कितना है सोशल मीडिया में, जैसे कि शेयरिंग कितना हुआ, ठीक है, कितना शेयरिंग हुआ फेसबुक में, पिंटरेस्ट में और गूगल प्लस में, ठीक है, कितने मिनट देखा गया, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, एवरेज वॉच्ड परसेंटेज, कितने से कितने उम्र के लोगों ने देखा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पर 18 से 24 के उम्र के लोगों ने, जेंट्स में, अभी लेडीज में दिखा रहा 40, अच्छा लेडीज़ में है 25 to 35, ठीक है, और 35 to 45 एज ग्रुप, 45 to 55 एज ग्रुप, कितने परसेंट है ये दिखा रहा है डिटेल्स, और 65 प्लस कितने हैं, ठीक, कौन कौन से डिवाइस में देखा गया, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है रीजन, कंट्री, किस किस कंट्री में देखा गया, सारी कंट्री, प्लेबैक, यूट्यूब वीडियो वॉच पेज, अननोन यूट्यूब चैनल पेज से, और जो भी प्लेलिस्ट या प्लेयर उसके थ्रू, और यहाँ वेबसाइट देखते हैं, यहाँ जो आए वेबसाइट फेसबुक से आए 12, गूगल सर्च से आए 5, जीमेल में सर्च करके 4, यूट्यूब में 3, एम फेसबुक से, गूगल से, याहू सर्च से, ब्लॉग से, प्लस google.com से आए, ठीक है। इसका वैल्यूएशन वैल्यूएशन कितना है, मेरे चैनल का कितना वैल्यू है वो दिखा रहा है, ये छिपा हुआ है, ये हर एक का आएगा। एक्शन बाय कैटेगरी, ठीक है, फिर वीडियो एसईओ काफ़ी अच्छी, प्रमोशन डेटा रिसर्च, है ना, ये कितने टाइम सेव्ड बाय कैटेगरी, वीडियो एसईओ, है ना, प्रमोशन एंड डाटा रिसर्च, इनलाइन सजेस्टेड टैग कितने, टैग एक्सप्लोरर, लैंग्वेज एनालिटिक्स, क्विक लिंक मीनू, है ना, क्विक एडिटर टूल बार, एडवांस वीडियो एम्बेडिंग, वीडियो टॉपिक प्लानर, थंबनेल जनरेटर, ये टूल्स हैं, है ना, जो 30 डेज में यूज किए, बहुत सारे टूल टूल्स देंगे तो आप समझ नहीं आएगा कितना कितना है, बट सारे टूल्स यूजफुल है।
आपका टाइम कितना बचा है दिखा रहा है। आप जाते हैं लॉन्चिंग पैड, लॉन्च पैड डैशबोर्ड, थोड़ा स्लो हुआ। चेकलिस्ट, बेस्ट प्रैक्टिस सेटअप, कीवर्ड ट्रैकिंग, कंपटीटर, ब्रांड अलर्ट है ना, बैकअप करते हैं। ठीक है, आज मैंने क्या अपलोड किया और 7 दिनों के अंदर है ना, 20 दिनों के अंदर चेकलिस्ट कितने कितने उसके नंबर हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपॉर्चुनिटीज, ये और प्रीमियम वर्सन है उसमें ये सारे फैसिलिटीज देते हैं कि उसमें आप क्या अपॉर्चुनिटी कि उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हर एक वीडियो का एक वीडियो को सिलेक्ट करके आप उसके बारे में देख सकते हैं। स्टार वीडियो आईडी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। है ना, आप कैसे करेंगे सारा दिखता है, आप हमसे वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं। क्या क्या डालना है वो दिखा रहा है इसमें, है ना, राइट अ कंपेलिंग टाइटल, टाइटल में क्या क्या होने चाहिए और आपके वीडियो में टाइटल को भी अपडेट करते रहना चाहिए ताकि व्यूअर आए। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे, डिस्क्रिप्टिव टैग भी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। अगर मोनेटाइज है बहुत अच्छा, इन्फो कार्ड, प्लेलिस्ट होना चाहिए, इंगेज विथ वीडियो, और वीडियो में वीडियो के थ्रू उसका प्रमोशन होना चाहिए पुराने वीडियो में नए वीडियो का, और उसे सोशल मीडिया में शेयर करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी है, थोड़ा सीख समझने में टाइम लगता है और मुझे भी समझने में टाइम लगा। जैसे इसमें ये मेरे में दिखा रहा है ऑडियंस रिटेंशन लो वॉच परसेंटेज, ठीक है, तो इसमें मुझे ध्यान देना क्या चीज़ का, फिर ऑडियंस रिटेंशन हाई वॉच परसेंटेज किस में है ना, वो भी मुझे होगा। इसमें 60% है और जिसमें 25% है वो हमें रैकिंग मॉनिटरिंग, जो बड़ी अलर्ट है, ईमेल है, अबाउट बेस्ट प्रैक्टिस ऑन माय न्यू अपलोड, ये जब पेड में जाते हैं पेड वर्सन में, कीवर्ड रैंक ट्रैकिंग, वीडियो बहुत लंबा नहीं मैं करना चाहता हूँ इसलिए थोड़े में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से जाएंगे तो मेरे डायरेक्ट चैनल में जा सकते हैं, है ना, कंप्यूटर नेट ये थे, क्या वो कंप्यूटर दिखा रहे हैं उसे, क्या कीवर्ड है, कितने व्यू हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, आप इसमें और भी कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं जो आपके चैनल में लगते हैं कि ये आपके चैनल नज़दीक है, या सेम टाइप का आपका जैसा टॉपिक है वीडियो का वो सेम टाइप।
सबसे भी बड़ी बात क्या है, इसमें बैकअप का भी है, लेकिन ये भी पेड वर्जन आप चैनल्स डाले हैं सारा चीज़, आप उससे बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। और प्रोमो मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मेरे चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा मुझे, इसका बेनिफिट उठा रहा जिससे कि इसमें प्रोमो मटेरियल्स हैं। मोस्ट रिसेंट अपलोड वीडियो क्या है वो URL शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस वीडियो में चले जाएंगे। और यहाँ अगर हम इस लिंक को अपने वीडियो में देते हैं लिंक में, और यहाँ से लोग क्लिक करते हैं तो कितने क्लिक करते हैं, कितना क्लिक हुआ है वो काउंट होता है। मोस्ट पॉपुलर अपलोड, इसका लिंक अपने वीडियो में शेयर कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं कितने क्लिक, चैनल पेज शॉर्ट लिंक है, इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी कर हम देखेंगे कितने क्लिक हुए वो शॉर्ट गया। चैनल पेज विद सब्सक्रिप्शन पॉपअप लिंक, कितने लोगों ने आपके चैनल के थ्रू सब्सक्राइब किया वो काउंट होगा। तुरंत में आपके चैनल में जो वीडियो अपलोड हुआ है उसका डायरेक्ट लिंक, फिर यहाँ एनालिटिक्स में दिखाएगा कितने लोगों ने इसमें क्लिक किया, फिर उससे अगर आपने प्लेलिस्ट में जुड़ा है तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू कितने लोग आते हैं, है ना, उसका यहाँ पर दिखाएगा। बहुत ये सारा का ये बनना है, इतना ज़्यादा इसमें फैसिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा, इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं शॉर्ट करना चाहता हूँ, इसी कारण से मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।